या नेहा, तुमको पता है मेरी सिस्टर को अभी 5 महीने पहले बेबी हुआ था। अब उन्हें दोबारा जॉब ज्वाइन करनी है जिसकी वजह से वो काफी स्ट्रेस में है। अरे तो बेबी को तो घर के दूसरे लोग संभाल लेंगे, फिर क्यों स्ट्रेस लेना? संभाल तो लेंगे लेकिन मदर मिल्क का क्या, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ लेकिन इसका सोल्यूशन है ना, तुम्हारे पास जादू की छड़ी है ऐसे कुछ समझ लो। सोल्यूशन का नाम है ब्रेस्ट पंप। ये क्या होता है? ब्रेस्ट पंप एक ऐसी मशीन है जिसकी मदद से नई माँ के ब्रेस्ट से दूध को कलेक्ट किया जाता है। वो कैसे? इसमें एक शील्ड होती है जो निप्पल पर फिट की जाती है, जिसके बाद मैनुअली या बिजली से चलने वाले पंप की मदद से दूध को निकाला जाता है। अच्छा तो क्या इसे इस्तेमाल करने का कोई सही टाइम होता है? हाँ, ये ज्यादातर सिचुएशन पर निर्भर करता है। जैसे सिर्फ एक बार बच्चे को दूध पिलाने के लिए मिल्क पंप करके रखना चाहते हैं तो 1 से 5 तक का समय सबसे अच्छा है। नई माओ में दूध बनने का ये सही समय होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए पूरी रात जागने की जरूरत भी नहीं है, सुबह की पहली ब्रेस्ट फीडिंग के बाद मिल्क पंप करके रख सकते हैं। ओके, तो ये ब्रेस्ट पंप कितने तरह के होते हैं? ब्रेस्ट पंप कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि मैनुअल ब्रेस्ट पंप जो हाथों से ऑपरेट किए जाते हैं, बैटरी ऑपरेटेड ब्रेस्ट पंप, ये दिन में एक बार मिल्क पंप करने के लिए बेहतर ऑप्शन है। इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप, इस पंप की क्षमता बाकी पंप से कहीं ज्यादा होती है। यूज ब्रेस्ट पंप, ये ऐसे ब्रेस्ट पंप होते हैं जो किराए पर दिए जाते हैं। ओके, तो इसके फायदे और नुकसान बता दो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ अपनी बहन को सही ब्रेस्ट पंप सजेस्ट कर सकूं। हाँ बिल्कुल, ये बच्चे के दूध पिलाने के समय को मैनेज करता है, इससे कामकाजी महिलाओं को सहूलियत होती है, ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई भी बढ़ जाती है और नई माँ को किसी तरह की मेडिकल परेशानी होने पर बच्चे को टाइम पर दूध मिल जाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं, जैसे माँ के दूध को फ्रिज में स्टोर करने से पोषक तत्व कम हो जाते हैं, ब्रेस्ट पंप के इस्तेमाल से निप्पल और ब्रेस्ट टिश्यू डैमेज होते हैं, कुछ महिलाओं को दर्द भी हो सकता है। अच्छे से स्टोर कैसे किया जा सकता है? दूध को स्टोर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इस्तेमाल करने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो लें। मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क स्टोरेज बैग, ग्रेट कंटेनर, ग्लास लिड में स्टोर करें। प्लास्टिक कंटेनर में स्टोर न करें। सामान्य टेम्परेचर में दूध को 6 घंटे तक स्टोर किया जा सकता है। फ्रिज में अगर दूध रखा है तो 3 दिनों के अंदर दूध का इस्तेमाल करें। वाओ, ये इन्फॉर्मेशन काफी सही है, इससे काफी सारी वर्किंग वुमेन को फायदा मिल सकता है। हाँ, ब्रेस्ट पंप की मदद से वर्किंग वुमेन को ऑफिस जाने में आसानी भी होगी, साथ ही बच्चों को भी आसानी से दूध मिल पाएगा।